दोस्तों नमस्कार, पाइपिंग इन मैकेनिकल ज्ञान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आज जानेंगे विदेश या अपने देश में पाइपिंग जॉब के लिए जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्या सवाल पूछा जाता है। सबसे पहले आपके मन का बात बताना चाहता हूं, जो लोग अक्सर पहली बार इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनके मन में यह सवाल रहता है कि मुझे सब काम आता है, मुझे ड्राइंग भी देखने आता है और मैं पूरा काम भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इंग्लिश बोलने नहीं आता तो मैं कैसे इंटरव्यू दूंगा। तो यह अपने मन से बात निकाल देना चाहिए कि मुझे इंग्लिश बोलने नहीं आता है, क्योंकि जब भी क्लाइंट विदेश से आता है इंटरव्यू लेने के लिए, अगर उसको हिंदी बोलने नहीं आता तो वह अपने पास किसी को रखता है हिंदी में सवाल जवाब करने के लिए। तो आप कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर आप 10 से 15% इंग्लिश जानते हैं तो बेटर है। और आप पहली बार विदेश जाना चाहते हैं तो 3 से 4 महीने का शटडाउन होता है, आप उसमें जाइए, क्योंकि जिसका विदेश का एक्सपीरियंस नहीं रहता क्लाइंट उसका सैलरी कम लगाता है और शटडाउन में जाने के लिए पैसा भी कम भरना पड़ता है। और यदि आप इंडिया में फिटर का पूरा काम कर लेते हैं तो विदेश जाने के लिए आप फैब्रिकेटर से इंटरव्यू दीजिए। तो आइए जानते हैं इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपका नाम और एड्रेस पूछा जाएगा पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए। आंसर, तो आप अपने पासपोर्ट के हिसाब से नाम और पता पूरा याद रखिए। आपका पासपोर्ट कब बनाया गया है और पासपोर्ट कब एक्सपायरी होने वाला है, ये सब पासपोर्ट का डिटेल आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाएगा। आप कितना साल काम किए हैं और कौन कौन से कंपनी में काम किए हैं और किस चीज़ का काम आप करते हैं। आपका CV सर्टिफिकेट होता है जो आपने बनवाए रहते हैं, उसका वेरिफिकेशन के लिए यह सब पूछा जाता है। यह सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या डुप्लिकेट है, यह सब पता लगाने के लिए। आंसर, आपका रिज्यूम या CV और सर्टिफिकेट जो होता है उसमें दिन तारीख तिथि के हिसाब से याद रखिए कि आप कौन कौन से कंपनी में कहाँ काम किए हैं। डेट के अनुसार आप जवाब दीजिए ताकि पता चले यह सर्टिफिकेट ओरिजिनल है। और यदि आप शट डाउन के लिए इंटरव्यू देते हैं तो मेंटेनेंस से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे स्पैनर, वाल्व, गैसकेट, ब्लाइंड, फ्लैंज, पाइप का ODI DCF इत्यादि के बारे में। और प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू देते हैं तो फैब्रिकेशन से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ड्राइंग, टेम्पलेट, फार्मूला, सिंबल इत्यादि के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, क्या आपको ड्राइंग देखने आता है। आंसर, आपको ड्राइंग देखने आता है तो आप बताइए, हाँ मुझे ड्राइंग देखने आता है। यदि नहीं आता है तो मेरा ड्राइंग वाला वीडियो देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, पाइप ड्राइंग कितने टाइप का होता है। आंसर, जितने टाइप का आप जानते हैं बता सकते हैं, नहीं तो 3 से 4 नाम बता सकते हैं, जैसे GAD, PNID, आइसोमेट्रिक। GAD मतलब जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, PNID मतलब पाइप एंड इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग, आइसोमेट्रिक मतलब इसको 2D या 3D में दर्शाया जाता है। इसको ऊर्ध्वाधर रेखा में इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को बेस लाइन यानी आधार रेखा से 30 डिग्री में खींचा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, आइसोमेट्रिक पाइप ड्राइंग में कितने दिशा होता है। आंसर, आइसोमेट्रिक पाइप ड्राइंग में 6 दिशा होता है, ईस्ट यानी पूर्व, वेस्ट यानी पश्चिम, नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ यानी दक्षिण, अप यानी ऊपर, डाउन यानी नीचे। क्वेश्चन नंबर 6, आइसोमेट्रिक पाइप ड्राइंग में रोलिंग कितने टाइप के होते हैं। आंसर, आइसोमेट्रिक पाइप ड्राइंग में रोलिंग 2 टाइप के होते हैं, वर्टिकल रोलिंग और हॉरिजॉन्टल रोलिंग। क्वेश्चन नंबर 7, पाइप कितने टाइप के होते हैं। आंसर, वेल्डेड या सीम पाइप यानी जिसमें वेल्डिंग किया हुआ रहता है, सीमलेस पाइप यानी जिसमें वेल्डिंग नहीं किया हुआ रहता है जो विदाउट वेल्डिंग का होता है, हेलिकल या स्पायरल पाइप यानी जिसमें राउंड शेप में वेल्डिंग किया हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, लाइक दैट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इत्यादि पाइप के किसी भी साइज का ODI DCF और एल्बो सेंटर पूछ सकता है। आंसर, कम से कम 16 इंच तक पाइप का ओडी और एल्बो सेंटर याद रखो। क्वेश्चन नंबर 9, एल्बो सेंटर का फार्मूला बताओ, एल्बो सेंटर कैसे निकालते हैं। आंसर, एल्बो सेंटर का फार्मूला यह होता है, अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फ्लेंज कितने टाइप का होता है। यह क्लाइंट फिगर दिखाकर पूछेगा कि यह कौन सा फ्लेंज है। आंसर, फ्लेंज मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। पहला, स्लिप ऑन फ्लेंज, वेल्ड नेक फ्लेंज, लेफ्ट जॉइंट फ्लेंज, थ्रेडेड फ्लेंज, सॉकेट फ्लेंज, ब्लाइंड फ्लेंज।
और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरा वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ब्लाइंड कितने प्रकार का होता है? आंसर, ब्लाइंड जनरली 5 प्रकार का होता है। फ्लैंज ब्लाइंड या एंड ब्लाइंड, स्पेक्टिकल ब्लाइंड, रिंग स्पेसर ब्लाइंड, स्पॉट ब्लाइंड एंड ओरिफेस ब्लाइंड। क्वेश्चन नंबर 12, फ्लैंज का फेस कितने प्रकार का होता है? आंसर, फ्लैंज का फेस जनरली 5 प्रकार का होता है। फ्लैट फेस फ्लैंज, रेस फेस फ्लैंज, रिंग टाइप ज्वाइंट फेस फ्लैंज, लेब ज्वाइंट फेस फ्लैंज, मेल एंड फीमेल फेस फ्लैंज, टंग एंड ग्रू फेस फ्लैंज। क्वेश्चन नंबर 13, फ्लैंज कितने क्लास का या पाउंड के होते हैं? आंसर, फ्लैंज 150 क्लास, 300 क्लास, 600 क्लास, 900 क्लास, 1500 क्लास, 2500 क्लास के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गैस्केट कितने प्रकार के होते हैं और उनका साइज और प्रेशर कैसे चेक करते हैं? आंसर, गैस्केट अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे सीट गैस्केट, स्पायरल उन गैस्केट, रिंग टाइप ज्वाइंट गैस्केट, ग्रेफाइट गैस्केट, पीटीएफई या टेफ्लॉन गैस्केट, मेटल जैकेट गैस्केट और तथा गैस्केट का साइज और प्रेशर या क्लास यहाँ लिखा रहता है, देखकर आप क्लाइंट को बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वाल्व कितने प्रकार के होते हैं और क्लाइंट फिगर दिखाकर पूछ सकता है कि यह कौन सा वाल्व है? आंसर, वाल्व अनेक प्रकार के होते हैं, आप 8-10 वाल्व का नाम बता सकते हैं, जैसे गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व, बॉल वाल्व, चेक वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, कंट्रोल वाल्व, फ्लोट वाल्व, नीडल वाल्व, एंगल वाल्व, डायफ्राम वाल्व। क्वेश्चन नंबर 16, रिड्यूसर कितने प्रकार के होते हैं? आंसर, रिड्यूसर 2 प्रकार का होता है, कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर और इसेंट्रिक रिड्यूसर। क्वेश्चन नंबर 17, टी कितने प्रकार का होता है? टी जनरली 3 प्रकार का होता है, इक्वल टी, अनइक्वल टी एंड लेटरल टी। क्वेश्चन नंबर 18, एल्बो कितने प्रकार का होता है? यह भी 3 प्रकार का होता है, शॉर्ट रेडियस एल्बो, स्टैंडर्ड रेडियस एल्बो एंड लॉन्ग रेडियस एल्बो। क्वेश्चन नंबर 19, बेवल कितने प्रकार का होता है और कितने डिग्री में होता है? आंसर, बेवल 2-3 प्रकार का बता सकते हैं, जैसे प्लेन बेवल, जे टाइप बेवल, कंपाउंड बेवल, और पाइप का बेवल 37.5 डिग्री में होता है। क्वेश्चन नंबर 20, पाइप का एज या रूट फेस थिकनेस कितने एमएम का होता है? आंसर, पाइप का एज या रूट फेस थिकनेस 1.25 एमएम का होता है। और आज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपने हो सकता है सब्सक्राइब भी कर लिया हो, घंटी भी बजा दी हो, लेकिन अपने 3-4 दोस्तों को कम से कम फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें कि वो भी बेल आइकन को प्रेस करें और वहाँ तक ये नोटिफिकेशन जा सके। अगर मेरे वीडियो से मदद होती हो तो हर बार मेरे रिक्वेस्ट किए बिना लाइक कर दिया करिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।